और ऐसा ही एक आदमी के बिहाफ पे आज आप सबका आज एक खास दिन भी है महिलाओं के लिए, और हम कवित्री सम्मेलन भी कर रहे हैं महिलाओं के ऊपर, और इंटरनेशनल वुमेंस डे है उसको भी सेलिब्रेट करेंगे आप। सुमन दीदी जो आज के इस पूरे प्रोग्राम की चेयरपर्सन है, तो उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इतना सुंदर कार्यक्रम आपने आयोजित किया है। और मैं चाहूँगा कि आप आगे का कार्यक्रम सुमन दीदी अपना प्रोसीड करें। धन्यवाद संदीप जी। कार्यक्रम बस शुरू करने जा रहे हैं दीप प्रज्वलन से। मैं अकादमी के फाउंडर और चेयरमैन श्री आनंद लखोटिया जी, अकादमी के प्रेसिडेंट श्री गौरव जी गुप्ता, सेक्रेटरी श्री संदीप जी गोयल एवं सभी वरिष्ठ सदस्यों से निवेदन करूंगी कि वे दीप प्रज्वलन के लिए आगे आएं। शुभम करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। दीप प्रज्वलन हो रहा है और सबके मन में आशा का दीप जल रहा है कि राजस्थानी अकादमी जो 23 वर्षों से अनवरत यह कार्यक्रम कर रही है, इसकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ प्रभु का स्मरण करते हुए हम कार्यक्रम को आगे गति देते हैं। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हो गया और अब मैं आदरणीय श्री आनंद लखोटिया जी से निवेदन करूंगी कि वे जो इस अकादमी के फाउंडर भी हैं और चेयरमैन भी, ये आशीर्वचन दें ताकि हम कार्यक्रम को शुभारंभ करें। श्री आर एन लखोटिया जी। मंचस्थ कवित्री समुदाय या उनका कवित्रीगण और राजस्थानी अकादमी के सदस्यगण और राजस्थानी अकादमी के प्रेमी सज्जन मित्र देवियों और सज्जनों, बड़े आनंद का विषय है कि हम इतने वर्षों से अनवरत कवित्री सम्मेलन कर रहे हैं। मुझे याद नहीं है, शायद आपको भी याद नहीं होगा कि कोई दिल्ली में ऐसा कोई ऐसी कोई संस्था हो जो निरंतर कवित्री सम्मेलन करे। कवि सम्मेलन तो होते हैं लेकिन कवित्री सम्मेलन शायद आपको भी याद नहीं होगा। ये मैं आपको, अगर किसी को हो तो बताइए, चैलेंज के लिए मैंने आपके सामने रखा है। हमें उनका स्वागत करेंगे और उनको भी इसमें आमंत्रित करेंगे। आप सब आए और कवित्रियों को उत्साह का उत्साहवर्धन किया, इसके लिए मैं अपनी तरफ से और हमारे कवित्रियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से यह संस्था इस गति पर और इस मुकाम पर पहुंची है। ये सब आपके अथक प्रयास का ही परिणाम है। आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ राजस्थानी अकादमी के प्रेसिडेंट श्री गौरव जी गुप्ता को कि वो आगे आए और अपना स्वागत भाषण करें। गौरव जी गुप्ता। धन्यवाद सुमन जी। जय श्री कृष्ण। आपका इस राजस्थानी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके अमूल्य सभी विचारों और अनुदान का बहुत बहुत आभारी हूँ और आपके सहयोग से हमने इस संस्था को इस शहर की एक बेहतरीन संस्था बनाकर दिखाना है। इस वक्त जो हमने काफी कार्य करे हैं मैं उन पर कुछ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। हमने सबसे पहले तो एक 23वीं राजस्थानी नृत्य प्रतियोगिता आयोजन किया, उसके साथ हमने पहली बार राजस्थानी चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जिसका काफी सराहनीय योगदान रहा और बच्चों ने काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसी के साथ हमने लॉयंस ऑफ दिल्ली बैंड के साथ मिलकर पहली बार प्योर वाइट न्यू ईयर ईव मनाई जिसमें 300 से ऊपर लोगों ने अपना पहली बार नॉन वेजिटेरियन प्योर वेजिटेरियन फूड और नॉन अल्कोहलिक न्यू ईयर पार्टी का आनंद लिया।